प्यारे बच्चों, मैं डीएन यादव, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज, रामदासपुर दहियावा प्रयागराज। प्यारे बच्चों, हम आज का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा छः से। कक्षा छः के बच्चे विशेष ध्यान देंगे। प्रथम पाठ जगमग जगमग। जगमग जगमग का मतलब समझते ही हो, यानी हमारे भारत देश के तमाम धार्मिक त्योहारों में से एक त्यौहार होता है दीपावली, जिसे हम दिवाली कहते हैं। इस दिन पूरे भारतवर्ष में हर तरफ उजियारा और हर तरफ रोशनी दिखाई देती है, तो उसी त्यौहार के अवसर पर, उसी त्यौहार के उपलक्ष में ये छोटा सा पाठ है, कविता जगमग जगमग जगमग। कक्षा छः के बच्चे ध्यान देंगे। हर घर हर दर बाहर भीतर, नीचे ऊपर हर जगह सुधर, कैसी उजियारी है पग पग, जगमग 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 जगमग, छज्जों में छत में आले में, तुलसी के नन्हे थाले में, यह कौन रहा है दृग को ठग, जगमग 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 जग। देखिए बच्चे, अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। अभी आज के दिन सिर्फ दो पंक्तियों का अर्थ मैं समझाऊंगा, फिर अगले दिन दो पंक्तियों का अर्थ फिर बताएंगे आपको, समझाएंगे। आइए भावार्थ समझते हैं। हर घर हर दर बाहर भीतर, यानी दिवाली के आने पर, दीपावली पर्व के आ जाने पर, हर घर यानी प्रत्येक घरों में, और हर दर यानी प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक घरों में प्रत्येक स्थानों पर, बाहर भीतर यानी घर के बाहर और घर के भीतर, नीचे ऊपर, घर यानी छत के ऊपर और छत के नीचे, नीचे और ऊपर, हर जगह सुधर, इस दिन हर स्थान बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि त्यौहार के आ जाने पर बच्चों, इस त्यौहार के आ जाने पर सभी लोग अपने घर की सफाई करते हैं, सभी लोग अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो आइए अगली पंक्ति में, कैसी उजियारी है पग पग। ये कैसी उजियारी यानी ये चारों तरफ उजाला कैसा है, यानी इस त्यौहार के आ जाने पर हम अपने आँखों के सामने चारों तरफ उजाला देखते हैं, चारों तरफ रोशनी देखते हैं। जगमग 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 यानी रोशनी कैसी है, यानी चारों तरफ माहौल कैसा दिखाई दे रहा है, जगमग जगमग दिखाई दे रहा है। आगे, छज्जों में छत में आले में, या रोशनी यानी जो हम दिया जलाते हैं, उस दिए से निकली रोशनी कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देती है। छज्जों में यानी जो बारजा होता है घर में जो बारजा होता है, उसमें भी यह रोशनी दिखाई देती है। छत में यानी आपके मकान की छत पर भी यह जलती हुई रोशनी प्रतीत होती है। आले में, जैसे गांव में बोलते हैं ना, आला गाँवखा कहते हैं, लेकिन दीवार में एक जो छोटा सा स्थान होता है उसको हम आला कहते हैं। यह रोशनी दीवार के उस छोटे स्थान पर भी दिखाई देती है जो बनाया होता है। फिर क्या, तुलसी के नन्हे थाले में, और आपके आंगन में जो तुलसी होती है उसके छोटे से थाले में भी यह दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। कब, किस दिन, दिवाली के दिन। आगे बढ़ते हैं, यह कौन रहा दृग को ठग, यानी इस तरह का वातावरण देखने के बाद इसमें कवि महोदय ये प्रश्न करते हैं, ये हमारी आँखों को कौन ठग रहा है, यानी मेरी आँखों के साथ इस रोशनी के माध्यम से आँख मिचौली कौन कर रहा है, सवाल करते हैं कि मेरे आँखों को कौन ठग रहा है। जगमग जगमग, कैसे जगमग जगमग, यानी चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल जगमग जगमग दिखाई दे रहा है, प्रकाशित दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उजाला हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये दो पंक्ति आज आपके बीच में,
फिर अगले दिन अगले टॉपिक पर बात की जाएगी। धन्यवाद।